हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस शेक की रेसिपी, जो कि आसानी से बन भी जाते हैं और अगर आपने इसका एक ग्लास बना के पी लिया तो आपको 3 से 4 घंटे भूखी नहीं लगेगी। तो इस नवरात्रे में इन शेक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले शेक की रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एप्पल शेक। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एप्पल लिया है जिसे मैंने पील कर लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये मैं एक मिक्सर जार में डाल रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी शेक बनाना स्टार्ट करें उसी टाइम एप्पल को कट कीजिएगा, वरना वो ब्लैक पड़ जाएगा। या आप अगर थोड़ी देर पहले कट कर रहे हैं तो उसे पानी में डाल के रखिएगा, इससे उसका कलर चेंज नहीं होगा। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 4 बादाम। आप यहाँ पर भीगी हुई बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ ड्राई बादाम का यूज़ किया है। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप मिल्क। यहाँ पर मैंने फ्रिज का मिल्क लिया है, एकदम चिल्ड है। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके साथ 2 से 3 आइस क्यूब इसमें ऐड कर दीजिएगा। पर गरम मिल्क बिल्कुल भी ना डालिएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शहद। शहद की जगह आप डेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हेल्दी वे में देखें तो आप इसमें डेट्स डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं। शुगर को जितना हो सके अवॉइड ही कीजिए, स्पेशली अगर आपको शुगर है या आप डाइट कर रहे हैं तो आप इसमें शुगर बिल्कुल भी ना ऐड करें। हनी डाल दीजिए, मैं आप डाल सकते हैं डेट्स, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं आप इसमें। बस अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और हमारा एप्पल मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना आसानी से बन जाता है। तो ये हमारी पहली शेक की रेसिपी रेडी है। अब हम दूसरा शेक बनाएंगे जो है मखाना मिल्क शेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मखाने का पाउडर बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मखाने लिए हैं और इन्हें ग्राइंड करने से पहले मैंने इसे रोस्ट कर लिया था, इससे ये एकदम करारे हो चुके हैं, इस वजह से ये अच्छी तरह से इसका पाउडर बन जाएगा। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। यहाँ पर छोटा वाला जार मैंने यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच शुगर और चुटकी भर इलायची पाउडर। अब इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो यह देखिए मखाने अब अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं, एकदम अच्छा फाइन पाउडर बन चुका है। अब हम इसका शेक बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर जूसर जार लिया है, इसमें हम मखाने का पाउडर डाल देंगे और इसके साथ हमने यहाँ 1 बनाना लिया है, उसे मैंने पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें डाल दिया है। 4 मैंने यहाँ पर भीगी हुई बादाम ली है और 1 कप भर के मैं यहाँ दूध ऐड कर रही हूँ। बस अब इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यह देखिए हमारा मखाना शेक बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इसे घर पर ट्राई ज़रूर करना, आपको पसंद आएगा और फास्ट के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।